वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी नूं याद करदे आं। भाई खालड़ा दी शहादत दा रहस। तरन तारण जिले के पिंड जामाराए के वसनीक कुलवंत सिंह वल्लों अदालत विच दित्ती गई गवाही अनुसार जसवंत सिंह नूं 6 सितंबर नूं अगवा किए जाण तों बाद उस नूं अगले दिन 7 सितंबर नूं चबाल थाने की हवालात विच बंद कर दिता सी। कुलवंत सिंह नूं पुलिस ने नशा रखण दे दोष हेठ 6 सितंबर नूं गिरफ्तार किया सी अते उसे ही दिन चबाल थाने च बंद कर दिता सी। अगले दिन 7 सितंबर नूं उत्थे ही उसका भाई जसवंत सिंह खालड़ा नाल सबबी मेल हो गया सी। कुलवंत सिंह की यह गवाही प्रमाणिक मालूम हुंदी है क्योंकि वह अपने इस बरतांत उत्ते शुरू तो लैके अंत तक लगातार अडोल डटे रहा सी। भाई खालड़ा नूं अगवा करन तो बाद गैर कानूनी तौर पर पुलिस हिरासत में रखे जाने के तत्थ की पुष्टि करन वाला दूजा गवाह कुलदीप सिंह पिंड बचड़े सी। उसका समाजिक पिछोकड़ कोई बहुता चंगा नहीं सी। खाड़कू लहर के दौरान उसका किसी तरीके नाल चबाल थाने के मुखी सतनाम सिंह नाल मेल हो गया सी। सतनाम सिंह अजीत सिंह संधू का खासो खास बंदा सी। ओह उसके हर कुकर्म विच भाईवाल सी अते सिख नौजवानों गैर कानूनी ढंगा नाल कतल करन विच पूरा बदनाम सी। हकूमती दहशतगर्दी के उस काले दौर विच पुलिस वल्लों खाड़कुआं ते उन्हां दे परिवारां दे मैंबरां उत्ते जुल्म ढाउण दे वैशी कार्यां विच पिंडां दे बदचलन किस्म दे व्यक्तियां दी मदद लैण दा वरतारा आम प्रचलित हो गया सी। इस बदले अजिहे व्यक्तियां नूं गैर रस्मी तौर ते पुलिस विच भर्ती कर लिया जांदा सी। उन्हां नूं स्पैशल पुलिस अफसर SPO दे अहुदे नाल निवाजिया जांदा सी। सो इस तरीके नाल कुलदीप सिंह नूं SPO भर्ती करके सतनाम सिंह ने अपना गनमैन बना लिया सी। जदों अजीत सिंह संधू की बदली रोपड़ हो गई सी तां कुलदीप सिंह भी सतनाम सिंह दे नाल ही रोपड़ चलिया गया सी अते फिर बाद विच इह सारी टोली तरन तारण जिले विच ही वापस आ गई सी। इसे दौरान कुलदीप सिंह दी किसे गल्लों सतनाम सिंह नाल तिखी अनबण हो गई अते उसने सतनाम सिंह नाल अपनी निजी रंजिश विचों ही खालड़ा केस विच उसदे विरुद्ध गवाही दित्ती सी। कुलदीप सिंह वल्लों अदालत विच दित्ती गई गवाही अनुसार भाई खालड़े नूं चबाल तों इलावा तरन तारण दे कई होर थाणियां जिवें सरहाली मानोचाल ते कंग पुलिस चौंकी आदि विच रख्या गया सी। कुलदीप सिंह मुताबक उस नूं चुक्कण तों बाद लगभग 48 दिनां तक अलग अलग थावां ते रख के उस उत्ते लगातार भारी तशद्दद कीता जांदा रहा। इसे दौरान एक दिन भाई खालड़ा नूं पिंड मानावाला विखे अजीत सिंह संधू की कोठी विच KPS गिल दे अगे भी पेश कीता गया सी। जापदा है कि पुलिस अफसरां ने भाई खालड़ा दा हठ देख के उसे दिन ही उसनों खत्म करन दा फैसला कर लिया सी। कुलदीप सिंह दे दसन अनुसार भाई खालड़ा नूं 25 अक्तूबर दे करीब चबाल थाने विच गोलियां मार के शहीद कर दिता गया अते लाश नूं मारुति कार दी डिक्की विच रख के हरीके पत्तन लिजा के दरिया विच रोड़ दिता गया सी। एक होर गवाह किक्कर सिंह ने CBI नूं दस्या सी कि उसने जसवंत सिंह खालड़ा नूं कंग चौंकी विच देखिया सी। किक्कर सिंह नूं खाड़कुआं नाल संबंधां दे दोष विच गिरफ्तार करके पहलां ही कंग चौंकी विच गैर कानूनी हिरासत विच रख्या होया सी। बाद विच जा के किक्कर सिंह सैशन जज मूहरे गवाही देण तों भज निकलिया सी। भावें जसवंत सिंह खालड़ा नूं गैर कानूनी हिरासत विच रख के कतल करन दे दोषां तहत 5 दोषी पुलिसियां नूं जिहड़ी सज़ा हुई है उह मुख तौर ते कुलदीप सिंह दी गवाही दे आधार ते हुई है, पर इस दे बावजूद उस दे शक्की किरदार नूं सामने रखदे होए अते मुकदमे की कार्रवाई के दौरान उस वल्लों दोवां ही धिरां नूं लगातार ब्लैकमेल करन दे कीते यतनां नूं देखदिआं उसकी हर गल ते यकीन करना औखा है। इहो गल किक्कर सिंह बारे भी कही जा सकती है, पर कुछ भी होवे सारे मामले चों हेठ लिखियां दो सच्चाइयां बारे कोई भी शक नहीं किया जा सकता। पहली एक गल इह कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं अगवा करन तों बाद काफ़ी दिन अलग अलग थाणियां विच रख के उस उत्ते अन्ना तशद्दद कीता जांदा रहा। अजिहा करन पिछे वड्डा मंतव यह नज़र आउंदा है कि कातल उसनू जिस्मानी ते मानसिक तसीहे दे के अते अखीर विच मौत दा डरावा दे के उस वल्लों पुलिस उत्ते लाए संगीन दोषां नू किसे तरीके वापस लैण लई जोर लाउंदे रहे सन, पर जद उन्हां दीआं पूरीआं कोशिशां दे बावजूद वह दोष वापस लैण लई रजामंद ना होया तां उन्हां ने गुस्से ते हताशपुणे चों उसनू बेरहमी नाल कतल कर दिता सी। दूजी गल सारियां ही गवाइयां चों यह तत्थ साफ उभर के सामने आया है कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा वैशी जबर दे सनमुख पूरी तरह अडोल
ते शांत चित रहा सी। उसने सिख रवायतां दी पालना करदिआं सारे जसमानी ते मानसिक कष्टां नूं सतगुरु दा भाणा मन के कबूल कीता। अते जदों किसे ने उस नाल हमदर्दी जतावनी चाही तां उह इक्को गल कहिंदा रिहा, सब कुछ सतगुरु दे भाणे विच ही हो रिहा है। उस दे इस सिदक दी पुष्टि उस दे समुच्चे समाजिक जीवन चों ते खास करके मई 1992 तों बाद उस वल्लों हर कदम ते दिखाई निडरता ते बुलंद हौसले तों वी हुंदी है। जिवें कि पिछे दस्या जा चुक्या है, वह मौत दे भय तों चिरोकणा मुक्त हो चुक्या सी अते लगभग 3 सालां तों तां वह अपनी शहादत दा तीबरता दे नाल इंतजार कर रहा सी। इस करके यह गल पूरे यकीन नाल कही जा सकती है कि उसने मौत दा सामना पूरे सिदक ते सुरमगति नाल कीता। यह सच्चाई जां तां वाहिगुरू जाणदा है अते जां भाई खालड़ा दे कातल जाणदे ने। अजे तक कातलां चों किसे ने भी अपना मूँह नहीं खोलिया। उन्हां विच्चों 5 अजे जिउंदे ने। शायद किसे वेले उन्हां चों किसे उत्ते वाहिगुरू दी मेहर हो जावे अते उन्हां अंदर भाई जसवंत सिंह दे आखरी पलां बारे अपने मूँह सच बोलण दा हौंसला पैदा हो जावे। खालसा पंथ उस सुभागे दिन दा शिद्दत नाल इंतजार करदा रहेगा। मैं शहीद होवांगा, तू खुदकुशी करेगा। भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे उपरोक्त खामोश बोल उस वेले पूरे हो निबड़े जदों 23 मई 1997 नूं अजीत सिंह संधू ने वड्डे तकड़े अंबाला चंडीगढ़ रेलवे पटड़ी ते डेरा बसी दे नेड़े चलदी ट्रेन हिमालयन क्वीन अगे छाल मार के अपने पापां भरे जीवन की लीला समाप्त कर दिती सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।